नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस समय आप देख सकते हैं नाला सोपारा के मैं स्टेशन परिसर के ठीक समीप खड़ा हूँ। टिकट काउंटर मेरे साइड में है। 7 बज चुके हैं, 7 के पार समय हो चुका है। लोगों की भीड़ जिस तरह से है उसमें लोगों का जनाक्रोश है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से टिकट काउंटर को खोलना चाहिए था, जिस तरह से टिकट काउंटरों की कामकाज होना चाहिए था, उस तरह से हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये भीड़ जो आप देख सकते हैं नाला सोपारा में मुंबई की तरफ काम करने जाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती ही है, जनसंख्या के आधार पर भी, और यहाँ के लोग अधिकतर मुंबई की तरफ प्रवास करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रेलवे के प्रशासन को पहले से रखना चाहिए था, उस आधार पर टिकट काउंटर को खोलना चाहिए था और टिकट काउंटर को जल्दी जल्दी जिस तरह से हो सकता था उन यात्रियों तक टिकट मुहैया करानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ सामने, जिस तरह से पूरी भीड़ जहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ टिकट काउंटर के ठीक नीचे और ये जो लंबी कतार लगी है, इसे आप पीछे देखते थे, पीछे तक लंबी कतार लगी हुई है। अब ये 7 बज चुके हैं, इन लोगों को अभी भी यात्रा करने का, क्योंकि परमिशन 7 बजे तक थी, अब ये यात्रा नहीं कर सकेंगे तो इनका क्या होगा? ऐसे ही रोज़मर्रा के लोग होंगे, उन सब का क्या होगा जब 7 बजे तक इस तरह के वातावरण में वो अपने या दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे, अपने गंतव्य तक नहीं, स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब उनके हालात क्या कुछ होंगे? फिलहाल प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए और जिस तरह से टिकट काउंटर की व्यवस्था है और तमाम समय अवधि की व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंटी करप्शन न्यूज़, नाला सोपारा।